लखनऊ की तहजीब, संस्कृति और धरोहर को दिखाने वाला भारत महोत्सव हस्तशिल्प का इस बार आगाज हो चुका है। 30 नवंबर को इसका आगाज हो चुका है और लगातार ये 15 दिन तक चलता रहेगा। जी हाँ, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम तरीके की जो स्टॉलें लगी हुई हैं और क्या कुछ खास है इस बार। सबसे पहले तो थीम की बात करते हैं कि इस बार भारत महोत्सव का थीम क्या है। इस बार भारत महोत्सव का थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। इस बार ये भारत महोत्सव का थीम रखा गया है और ये देखते हैं यहाँ पे स्टॉलें लगना शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत में मैं दिखाऊँ कि 1750 स्टॉल इस बार लगाई गई हैं और 1 से 28 राज्यों के साथ साथ यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने आए हुए हैं। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हस्तशिल्प की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो आई हुई हैं। लोग दूर दराज से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। हाथ से बनाई हुई कारीगरों की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। सबसे पहले तो स्टॉल पर आके आपको दिखाते हैं कि ये जो स्टॉल है यहाँ पर, ये सूट के स्टॉल दिख रहे हैं, गर्म कपड़ों के स्टॉल दिख रहे हैं। एक बार जाना चाहते हैं, भैया कहाँ से आए हैं आप? मेरठ। अच्छा, मेरठ से आए हैं। अपने मतलब आपके स्टॉल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट हैं? हैंडलूम का वुलन सूट है मैडम। प्राइस क्या है? मैंने 500 देख रही हूँ, क्या यही दाम है कि सबके प्राइस जो लिखे हैं वही रेट है? अच्छा, पूरे जो भी सामान उठा। अच्छा, ये तो सही है, आपके फिक्स रेट है 500। तो यहाँ पे गर्म कपड़ों की शॉप है जिसपे आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, सबके दाम एक हैं, 500 रुपये से शुरुआत है, 500 ही रुपए हैं, सब आप ले सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ जो सामान है वो है। ये देखिए, चलते हैं लगातार दूर, जितनी दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी वो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे सूट की दुकान है, ये देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि सीधी सी बात है इतने साल से लोग इंतज़ार करते हैं भारत महोत्सव का कि लगे और लोग यहाँ पर आएँ और आनंद लें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, खाने पीने की चीज़ों का, साथ ही साथ प्रोडक्ट का। तो ये यहाँ पर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। एक बार यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हैंडबैग दिख रहे हैं, बैग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली इस्तेमाल के लिए, और साथ ही साथ ज्वेलरीज दिख रही हैं। महिलाएं अगर आती हैं तो उन्हें ज्वेलरीज का काफ़ी अच्छा खासा शौक रहता है, तो यहाँ पे अच्छी वैरायटी की आपको ज्वेलरीज देखने को मिलती है। पर जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? गुजरात सुरेंद्र। अच्छा, गुजरात सुरेंद्र नगर से। क्या कुछ आपके पास प्रोडक्ट है ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये ज्वेलरीज हैंडमेड बैग्स है जो हाथ से बने हुए हैं, और ये जो हमारी महिलाएं हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है, गुजरात की फेमस इमिटेशन ज्वेलरी, राजकोट से फेमस होती है ये। अच्छा, पहली बार भारत महोत्सव में आप लगा रहे हैं कि इसके पहले भी आए हैं? मैम, बहुत बार आ चुके हैं लखनऊ महोत्सव, हम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, दूसरा साल है। अच्छा। और अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ की पब्लिक से भी हमारे को। अच्छा, ऑनलाइन ये करते हैं आप, परचेस लोग करते हैं आपके प्रोडक्ट को? मैम, हमारा ऑनलाइन भी है हैंडीक्राफ्ट के ऊपर से, और हम आर्टिजन हैं सरकार की और गवर्नमेंट की ओर से। अच्छा, क्या प्राइस क्या है, क्योंकि देखने में बेहद ही खूबसूरत आपकी ज्वेलरी लगती है, स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 100 से स्टार्ट है। कितने से? 100 से स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा प्राइस, आपने रिजनेबल प्राइस बताया। 100 से स्टार्ट है 1250 तक। हाँ। बहुत ब्राइडल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरीज, डेली वर्क ज्वेलरी सब कुछ है। अच्छा, भारत महोत्सव का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है मैम, अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसीलिए हम दोबारा दूसरे साल भी आए हैं यहाँ पे। यहाँ की पब्लिक भी अच्छा रिस्पांस देते हैं हमारा प्रोडक्ट। गुजरात से आए हुए हैं आप? Yes, तो अभी हमने जो देखा, ये जो लोग आए हैं गुजरात से आए हैं, ज्वेलरीज़ का, बैग का, जो महिलाएं खासतौर से वो इस्तेमाल करती हैं, उसका स्टॉल इन लोगों ने लगा रखा। बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी इनके पास है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस की, 100 रुपये से इसकी शुरुआत है। कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर भारत महोत्सव में आ रहे हैं तो एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सुंदर वस्त्र के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ आप अपनी ज्वेलरीज भी ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वेडिंग सीजन चल रहा है, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है कि क्या कुछ कहाँ कहाँ से लें, एक तरह सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर भारत महोत्सव आ रहे हैं तो सारी चीज़ें मिलेंगी वेडिंग सीजन के साथ साथ आपको। यहाँ पे गर्मियों की, ठंडी की सारी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर आप सूट लेना चाहते हैं, कुर्तियाँ लेनी चाहते हैं, हुडीज़ लेना चाहते हैं, सारी तरह की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए, बच्चों का एक किडिंग सीजन भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वो किड्स के जो सेशन है वो भी दिख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, देख सकते हैं, गुड़िया है, बंदूक है, बच्चों के लिए सबके लिए यहाँ पे एक सेशन मौजूद है। यहाँ पे आके आप अपना अच्छा खासा ले सकते हैं सामान। और जहाँ तहाँ तक नज़रें जा रही हैं, गर्म कपड़ों की जो है शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ पे दिख रहा है खाने पीने की कुछ चीज़ें, मैं एक बार जानना चाहती हूँ कहाँ से आए हैं आप सर? अच्छा, कश्मीर से आए हैं, क्या कुछ है आपके पास? काजू है, बादाम है, कश्मीरी आइटम है सब, मेरे मोहम्मद बादाम है और अखरोट है। अच्छा, क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये तो यहाँ के लोगों को भी है, कश्मीर से लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है प्रोडक्ट प्रमोट हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, पसंद कर रहे हैं? केसर है, सलाजीत है, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट। प्राइस क्या है इनकी? ये 400 रुपये मैडम, 250 ग्राम। इसकी क्वालिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, 400 का है ये बढ़िया होगा मैम, हेल्दी होगा। तो अभी पहली बार भारत महोत्सव में आपने शॉप लगाई है कि कई बार आ चुके हैं? पिछले बार भी थे।
अच्छा कस्टमर बने हैं आप? हाँ मैडम बढ़िया बना है। हाँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी जो कश्मीर से आए हुए हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि लोग जाने कि क्या कुछ खास है इनके प्रोडक्ट में। आगे हम आपको शॉप के पास लेते चल रहे हैं कि क्या कुछ इस बार किस किन चीज़ों की दुकानें हैं वो लगी हुई हैं। हस्तशिल्प इसको कहा गया है, भारत महोत्सव को इस बार हस्तशिल्प से जोड़ा गया है तो वो भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की प्रतिमा बनी हुई है और हाथों की जो कारीगरी है वो एक बेहद ही सुंदर तरीके से आपको देखने को मिल रही है। सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हाथों से बनी हुई हैं। कहा जाता है ना कि भारत हस्तशिल्प का सबसे सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर दैनिक जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी बहुत बहुत ही बेहद ही अच्छी तरीके से गढ़ी जाती हैं। आइए इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं ये और क्यों कौन कौन सी चीज़ें इनकी हैं वो प्रमोट की जा रही हैं। सर सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम सागर है। कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से हैं। गुजरात से आए हैं। अभी आप भारत महोत्सव में पहली बार आप लगा रहे हैं या फिर कई बार लगाता हूँ? क्या लगता है प्रमोट हो रही चीज़ें? होती है। खासियत क्या है क्योंकि ये हस्तशिल्प इसका नाम ही दिया गया है इस बार भारत महोत्सव का, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे लो एक है ना कि केंद्र बिंदु टिका हुआ है, तो क्या कुछ खासियत होती है इनकी? मैम ये हैंडमेड होता है प्लस जो यूनिक आइटम है किसी को जल्दी देखने को नहीं मिलता है। जब हम लोग गुजरात से यहाँ पर आते हैं विजिट करते हैं तब ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है और यही खासियत है कि जो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है वो भारत महोत्सव में देखने के लिए मिलती है। अच्छा कुल कितने लोग इसको बनाने में मदद करते होंगे, कितने लोगों की मेहनत होती होगी एक मूर्ति के पीछे? एक मूर्ति के पीछे कम से कम 5 लोग लगते हैं। एक मूर्ति के पीछे 5 लोग, क्या कुछ कीमत रहती है स्टार्टिंग से, क्या कुछ कीमत है और सबसे कम कीमत क्या है, सबसे ज़्यादा कीमत? मेरे पास वाटर फाउंटेन की कीमत सबसे कम पे है 1100 से स्टार्टिंग है और एंड तो इसका कोई नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। सबसे जो महंगा है वो क्या है, वो उसकी कौन सी कीमत है, सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी रहती है मूर्ति आपके यहाँ पे? मैम डिमांडेबल तो सभी है, गणेश जी, बुद्धा जी, शंकर जी, सभी डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड तो हमारे महादेव की है। अच्छा एक बार हम पूरा पूछना चाहते हैं, आप भारत महोत्सव में आए क्या लगता है लोग आपकी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं? बिल्कुल मैम बिल्कुल कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये रहा यहाँ पे हस्तशिल्प की तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी और देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए इस मूर्ति को, इन मूर्तियों को किस तरीके से बनाया गया है और पूरी तरीके से ये हस्तशिल्प पे मौजूद हैं। एक मूर्ति के पीछे 5 लोगों के हाथ रहते हैं, 5 लोगों की मेहनत रहती है तब जाके कोई एक मूर्ति वो बनती है और आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो बेहद ही एक सुंदर यहाँ पे प्रस्तुति देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पे मूर्तियाँ वो लगी हुई हैं। तमाम तरीके के जो स्टॉल्स हैं, वैसे तो ये जो भारत महोत्सव लगा हुआ है इस बार वो बृहद पैमाने पे लगा हुआ है, कई प्रकार की शॉप्स हैं, कई प्रकार के लोग आए हुए हैं यहाँ पे 28 राज्यों से और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो बेहद ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा लेकिन जितनी कोशिश है वो हम पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे, कितनी स्टॉल्स लगी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और हस्तशिल्प को यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि हाथ से बनी हुई कारीगरों की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में एक खास महत्व रखती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।